Hello everybody. So today I am going to explain the very famous media player, that is Windows Media Player. आज का मेरा टॉपिक है वो Windows Media Player है, वो Microsoft कंपनी का प्लेयर है जो सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट आता है। यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास है, चाहे वो कोई भी वर्जन हो, 98 का हो या 10 हो, ठीक है, उसके अंदर विंडोज मीडिया प्लेयर होगा और होगा ही, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट प्लेयर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसलिए इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि दूसरे कोई प्लेयर, मान लो कि आपको आते हो या ना आते हो, ये प्लेयर ऐसा है जो आपको सभी कंप्यूटर, जो विंडोज कंप्यूटर है माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें मिलने ही वाले। तो अगर कोई दूसरा कंप्यूटर यूज करते हो और उसमें कोई दूसरे प्लेयर नहीं है, जैसे कि VLC वगैरह, तो डेफिनेटली उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेयर तो होगा ही, और जिसकी मदद से आप अपने सॉन्ग्स को सुन सकते हो, वीडियोस प्ले कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो। ओके, यू आर एबल टू मेक ए प्लेलिस्ट, काफी सारे अच्छे फीचर्स है। इवन वी आर एबल टू राइट ए म्यूजिक CD ऑल्सो, यानी कि CD को राइट भी कर सकते हैं। यानी कि आप ब्लैंक CD लो और आपके पास DVD राइटर या CD राइटर है, तो आप अपनी खुद की ऑडियो CD भी बना सकते हो। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो सभी कंप्यूटर में आपको जनरली अवेलेबल मिलेगा। तो दूसरा हो या ना हो, ये मिल जाएगा तो आप अपना काम कर सकते हो। यानी कि विंडोज मीडिया प्लेयर का यूज काम है किसके लिए, टू प्ले, टू हियर द सॉन्ग्स, टू सी द मूवी, ठीक है, मूवी और सॉन्ग को देखने के लिए या फोटोग्राफ देखने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो आज मैं आपको पूरा डेमो देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सिखाऊंगा कि विंडोज मीडिया प्लेयर का यूज किस तरह से करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसे और इससे भी काफी अच्छे अलग अलग टॉपिक के रिलेटेड, जो कंप्यूटर के रिलेटेड है, वो मैं आपको और भी देने वाला हूँ, तो इससे आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द विंडोज मीडिया प्लेयर, हर एक स्टेप में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये विंडोज मीडिया प्लेयर है, ओपन कैसे करेंगे इसको। ओके, ओपन करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट मेनू होता है, यानी कि ये जो स्टार्ट मेनू है यहाँ पे, ओके, उसके ऊपर क्लिक करो, उसमें से ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम में से विंडोज मीडिया प्लेयर। अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है तो ये प्लेयर होगा ही, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट आप लाइब्रेरी में होते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूजिक है, वीडियोज है, फोटोग्राफ देखने के लिए पिक्चर्स है, कोई TV का आपने रेकॉर्ड किया हुआ है तो रिकॉर्डेड TV है, अदर मीडिया कुछ भी हो, आप यहाँ पे सब कुछ प्ले कर सकते हो। फोटोग्राफ देखना है तो आप पिक्चर्स के अंदर चले जाओ, ठीक है, डबल क्लिक करोगे तो ऑल पिक्चर्स, यानी कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी पिक्चर्स होंगे वो सब के सब आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी फोटोग्राफ्स होंगे पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरह से अगर लाइब्रेरी की बात करें, म्यूजिक है तो म्यूजिक के अंदर जाएंगे तो म्यूजिक में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियोज है यहाँ पे, लाइब्रेरी पे क्लिक करो, यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करोगे तो आपको, ऑल वीडियोस पे क्लिक करोगे तो मेरे कंप्यूटर में जो जो वीडियोस है वो सभी के सभी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप यहाँ पे क्या आपको प्ले करना है, म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर्स यानी कि फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डेड TV, अदर मीडिया और प्लेलिस्ट, आपको ये सब ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, फिर अगर आप देखो कि ओपन करना है आपको कोई भी सॉन्ग, जैसे कि मान लो कि आपको अपना खुद का प्लेलिस्ट बनाना है। व्हाट इज प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट क्या है कि आप अपने सिलेक्टेड सॉन्ग्स का एक लिस्ट बना लीजिए, फिर आपको जब भी वो गाने सुनने हो आप जब प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो उसके अंदर ऐड किए हुए जो आपने सिलेक्टेड सॉन्ग्स जो है वही जो सॉन्ग्स है वो आपको सुनाई देंगे, यानी कि वो प्लेलिस्ट के अंदर जो जो सॉन्ग आपने रखे होंगे वो ऑटोमेटिक प्ले होते रहेंगे। तो प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट प्लेलिस्ट, उसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्लेलिस्ट का, यहाँ पे कोई भी, सपोज मान लो के डेमो करके मैंने नाम दे दिया, एंटर, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करो। तो यहाँ पे ये जो एरिया जो है आपका, वहां पे आपको सॉन्ग्स एड करने हैं। तो आपको सॉन्ग्स एड करने हैं तो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। आपको पता नहीं कि वो सॉन्ग्स कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में वो सॉन्ग कहाँ रखे, या तो CD में होने चाहिए। तो CD पहले डाल दो आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर के अंदर, और फिर CD ओपन करके वो गाने को यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। तो उसके लिए ओपन द, क्लिक ऑन द फाइल मेनू, ओके, एंड क्लिक ऑन ओपन। ओके, ओपन में जाओ एंड यू चूज योर सॉन्ग, आपके सॉन्ग्स आपने कहाँ रखे है वो आप चूज कर लो। मान लो कि यहाँ पे कुछ एक आध सॉन्ग पड़ा है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद मैं और गाने सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दूसरी जगह पे अगर होगा तो मैं देख लेता हूँ। अगर सॉन्ग्स आपको पता होने चाहिए कि आपने कहाँ रखे। मान लो कि यहाँ पे है सॉन्ग, ठीक है, एक दो सॉन्ग मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लिए। अभी ये सब यहाँ पे आ गए तो अभी उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेलिस्ट के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो अभी प्लेलिस्ट के अंदर सॉन्ग्स आ गए, तो अभी मैंने तीन सॉन्ग ऐड किए, तो तीनों के तीनों सॉन्ग जो है वो वन बाय वन प्ले होते रहेंगे। जैसे ही मैं प्लेलिस्ट ओपन करूंगा, जब भी आप ओपन करोगे प्लेलिस्ट में जाओ, अपना प्लेलिस्ट ओपन करो, आपने जो जो गाने ऐड किए हैं उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, ओके। और राइट क्लिक ऑन द नेम ऑफ प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के नाम पे क्लिक करो तो यहाँ पे प्ले ऑप्शन है, तो प्लेलिस्ट अपना प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसमें ऐड कर सकते हो, नाम कर सकते हो, डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इस तरह से प्लेलिस्ट बन गया। और कोई भी गाने पे ऊपर राइट क्लिक करो तो प्ले ऑल मीन्स इट प्ले ऑल द सॉन्ग्स, यानी कि सभी के सभी सॉन्ग वन बाय वन प्ले करेंगे। प्ले यानी कि जो करंट सॉन्ग सिलेक्ट किया होगा उसको प्ले किया जाएगा, प्ले नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपना खुद का जो भी सिलेक्टेड सॉन्ग का एक लिस्ट बना सकते हो और उसको जब चाहे आप उसको सुन सकते हो विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन करके, ठीक है। तो आपको गाने का ऑर्डर भी चेंज करना है तो मूव अप डाउन वगैरह भी आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। गाने के ऊपर राइट क्लिक करना है आपको तो सब यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं वीडियोस में जाऊंगा तो वीडियोस भी आप यहाँ पे किसी के भी ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो भी प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर सीडी है तो ऑब्वियसली आपको सीडी पहले ऐड करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में, और फिर सीडी के अंदर के जो भी वीडियोज है सॉन्ग्स है उसको भी आप सुन सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है विंडोज मीडिया प्लेयर इसलिए। और मेन चीज ये है कि ये जनरली आपको हर कंप्यूटर में मिलेगा ही मिलेगा, तो अगर मान लो कि कोई दूसरे प्लेयर नहीं है तो ये तो होना ही वाला है, तो आपका जो भी टेम्पररी वर्क है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा एक बहुत ही अच्छा फीचर इसका विंडोज मीडिया प्लेयर का जो है वो है बन, यानी कि आप अपने आपकी एक ऑडियो सीडी भी खुद राइट कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लैंक सीडी हो तो अगर सीडी राइटर आपके पास हो तो आप सीडी राइट भी कर सकते हो, अपने गानों को सीडी में स्टोर करके आप रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बर्न ऑप्शन है, अगर आपको ऑडियो सीडी राइट करनी हो तो यहाँ पे बर्न ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे आपको जो जो सॉन्ग्स आपको ऐड करने हैं उसको आपको ड्रैग करके यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। तो मान लो कि आप मेरा जो प्ले लिस्ट है उसमें से तीन गाने हैं तो तीनों के तीनों सिलेक्ट करके मैं उसको ड्रैग करके इसमें डाल दूंगा, और ये डालने के बाद यहाँ पे स्टार्ट बर्न ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सीडी राइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप अपनी खुद की सीडी यानी कि जो कलेक्शन आपने रखा है उसको सीडी में भी कॉपी करके स्टोर करके एक आप सेफ साइड एक दूसरी कॉपी आप रख सकते हो। तो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, वीडियो भी आप देख सकते हो, फोटोग्राफ भी देख सकते हो, ओके। इवन आपको सॉन्ग का लिस्ट बना के उसको प्ले करना है तो आप आसानी से एक अपना खुद का लिस्ट बना के प्ले करो प्ले लिस्ट से, और सीडी राइट भी कर सकते हो अगर आपके पास ब्लैंक सीडी और राइटर हो तो। मान लो कि पिक्चर्स है तो पिक्चर्स में सब फोटोग्राफ आएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर भी राइट क्लिक करके मैं प्ले ऑल कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्ले ऑल किया तो फोटोग्राफ्स के देखने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। देखो फोटोग्राफ स्टार्ट हो गए, वन बाय वन मैं नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट फोटो आ जाएगा, ये प्रीवियस फोटो है, ये नेक्स्ट फोटो है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं फोटोग्राफ भी इजीली आराम से मैं देख सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो है वो फोटोग्राफ को भी आसानी से आप देख सकते हो, वो भी अट्रैक्टिव वे पे, ठीक है। अपना आप भी ऑटोमेटिक भी फोटोग्राफ सब आते रहेंगे, और या तो आपको नेक्स्ट और प्रीवियस करना है तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा गाइड कर दिया, और यहाँ पे जो मेन्यूज है फाइल मेन्यू में आप ओपन है यानी कि फाइल ओपन करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और ओपन यूआरएल तो आपको ही पर्टिकुलर करना है, क्रिएट ए प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट जो यहाँ पे बाहर भी हमने सीख लिया कि ये प्लेलिस्ट यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम ऑप्शन भी है, तो स्ट्रीमिंग यानी कि आपको कोई लाइव वगैरह परफॉर्म करना हो, यूट्यूब से काम करना हो तो स्ट्रीमिंग भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन चूजर वगैरह ऑप्शन है जो थोड़ा सा लुक चेंज करता है। ये वीडियो साइज भी आप डिसाइड कर सकते हो, ओके 100% दैट मींस इट कवर द फुल स्क्रीन, फिट वीडियो टू प्लेयर ऑन दिस साइज, छोटी बड़ी साइज आपको रखनी हो जब आप वीडियो प्ले कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्ले का कंट्रोल है, कंट्रोल पी उसकी शॉर्टकट की है, यानी कि मेनू में आपको सब ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको क्या क्या वर्क करना है। मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिए, जो चीज बाहर अवेलेबल थी उसके बारे में मैंने आपको
एक्सप्लेन कर दिया है आपको यहाँ पे। सो हियर आई एक्सप्लेन द ऑल डिटेल्स ऑफ द विंडोज मीडिया प्लेयर। बहुत ही आसान है, ठीक है, और बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपको हर जगह पे ये विंडोज मीडिया प्लेयर मिल जाएगा। जहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगी वहां पे वो होगा ही होगा, तो आपका काम अच्छे से हो सकता है। क्योंकि टू प्ले सॉन्ग, टू प्ले वीडियो, टू प्ले ऑल द फोटोग्राफ्स, सीडी राइट करना, सभी की सभी फैसिलिटी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हमको मिल रही है। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ओके, यूज दिस सॉफ्टवेयर। मगर अभी तक आपने मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके रेडी रहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस में देने वाला हूँ। ऑलरेडी 100 वीडियोस है कंप्यूटर रिलेटेड, ओके। और लाइक करना है ये वीडियो को और कॉमेंट पोस्ट करनी है, अगर आपको कुछ यहाँ पे मेरे साथ कोई मैसेज आपको शेयर करना है तो यूट्यूब के अंदर कॉमेंट पोस्ट करना है, ओके। थैंक यू एंड यूज दिस सॉफ्टवेयर वेरी इजिली। हैव अ नाइस डे।